वो दौर बीजेपी के शासनकाल का तो था नहीं रोहन गुप्ता जी, सुनिए जब यहाँ से हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित छोड़कर इस हिस्से को गए थे, ये भी सवाल बड़ा। जिस लाल चौक पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर दो चार ही दुकानें कश्मीरी पंडितों की मिलेंगी आपको, तो उनका जो दर्द है उसको भी तो समझना पड़ेगा ना, कि वो कौन सा दौर था जब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे और उस समय की सरकारों ने कुछ नहीं किया उनको यहाँ पर रोकने के लिए, उनको फिर से बसाने के लिए। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो आज भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जब 1989 में हुआ तब ये लोग केंद्र सरकार में पार्टनर थे और चुपचाप बैठे, तब रेजिग्नेशन नहीं लिया सरकार का, ये सरकार में बैठे रहे, वीपी सिंह की सरकार थी, क्यों चुप बैठे थे? 1986 से हुआ है, 1986 से हुआ है, 1989 में नहीं हुआ है, 1986 से लगातार चालू था ये आपके समय से, जबकि राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार। आप बीच में बोलने लग गए क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। चित्रा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा है, आप सीधा डिनाई कर रहे हैं नेशनल चैनल बैठ के। 86 में राजीव गांधी थे, 86 में राजीव गांधी थे, प्लीज रोहन जी को बोलने दीजिए। ठीक है सर, चालू हुआ है, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं बोला चित्रा जी, एक बार रोहन गुप्ता जी की बात हो जाए। चित्रा जी, इनका बौखलाहट, जो बौखलाहट हो रही है स्वाभाविक है, मैं समझ पा रहा हूँ। जनरली के शर्मा जी ऐसा करते नहीं, पर आज करे क्या? चित्रा जी, जो नैरेटिव चेंज करने की हम बात कर रहे हैं, आज उन्होंने कहा 370, तो आज कश्मीरी पंडितों की हत्या नहीं होनी चाहिए, हम नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, जिस प्रकार से शासन चलना चाहिए। चित्रा जी, नफरत की जो दुकान इनकी वो बंद होने जा रही है, आपने जनता से वहां पे पूछा, आप तो वहीं पे है लाल चौक में, पूरा आप कवर करिए, जो प्यार का माहौल है, देखिए डिफिकल्टी है राजनीति, भाजपा जैसी पार्टी जो नफरत की दुकान चल रही थी, पर हम लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, और जो लड़त है उसमें जो जनता के मुद्दे हैं, आपके एक युवा, एक मिनट, ठीक है गगन भगत जी, लेकिन लोगों ने सब, मेरे पास वक्त की कमी है, इन दोनों लोगों की बात रह जाएगी, इसलिए जल्दी से गगन भगत जी, लेकिन यहाँ के लोगों ने यह भी कहा है कि 370 के लागू हो जाने के बाद यकीनन यहाँ पर शांति है, पत्थरबाजी नहीं होती, चारों तरफ से गोलियों की आवाज अब नहीं सुनाई देती है उस तरह से। चित्रा जी, मैं जितना शर्मा जी को जानता हूँ, बहुत ही शांत और बहुत अच्छे तरीके से डिबेट करते हैं, आज वाकई बहुत खिसिया गए हैं, और इनकी खिसियात जो है वो यकीनन भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण हुई, और मैं इनको बताना चाहता हूँ, झूठ पर नाराज है, आप मेरी बात सुनिए, मैं आप जब बोलते, मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में, आप झूठ, क्योंकि कांग्रेस का झूठ नहीं हो सकता ना। शर्मा जी, आप आधा घंटा बोलिए, हम चुपचाप सुनेंगे आपको, लेकिन हम 5 मिनट शांति से बोलने दीजिए। गगन जी, आप प्लीज जल्दी से बोल लीजिए, क्योंकि फिर वक्त हमें इतने की इजाजत देगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज जल्दी से अपनी बातों का। मैं शर्मा जी के बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश का व्यक्ति क्यों आके हमारे ऊपर राज कर रहा है, बल्कि जितने भी बाकी राज्य हैं उनके अपना व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बना हुआ है। मानसिकता देखिए हमारे साथ, ये मानसिकता देखिए इनकी, मानसिकता देखिए इनकी, गुजरात जम्मू कश्मीर का व्यक्ति गुजरात का गवर्नर बना दीजिए, भारत जोड़ेंगे, ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में उसी राज्य का व्यक्ति राज्यपाल या उपराज्यपाल बनकर नहीं जाता है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और यहाँ पर अगर दूसरे हिस्से से कोई आकर, आपको आप, ठीक है, चुनाव कब होंगे ये बड़ा सवाल है, ठीक है, चुनाव कब होंगे, ठीक है सर, चुनाव कब होंगे ये बड़ा सवाल, जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है।